ये स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास 11 के स्टेट ऑफ मैटर्स में हम पढ़ चुके हैं कि मैटर्स जो है वो कितने स्टेट्स में पाई जाती है, उनके बीच लगने वाला फोर्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम उसके बाद अगला जो फोर्स पढ़ने वाले हैं वो है वैन डेर वाल्स फोर्स। वैन डेर वाल्स फोर्स ये एक ऐसा फोर्स होता है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की तरह वर्क करता है, और कैसा फोर्स होता है, ये बहुत वीक फोर्स होता है। ठीक है, तो अ फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन अ फोर्स विच इज एप्लीकेबली अप्लाइड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो फोर्स होता है बेटे, ये किस तरह से होता है, ये होता है आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। कैसा फोर्स होता है ये? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स में देखिए कैसा फोर्स होता है, वीक फोर्स। देखिए स्टूडेंट्स, वैन डेर वाल्स फोर्स क्या होता है ये हमने समझा। अब हम देखेंगे कि ये कितने टाइप का होता है। बेसिकली हमारी बुक जो है एनसीईआरटी, उसमें चार तरह के वैन डेर वाल्स फोर्स के बारे में बताया गया है। बट जो वैन डेर वाल्स फोर्स होता है ये बहुत ही कई तरीके का होता है। देखिए टाइप्स ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्स, टाइप्स ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्स। ठीक है, वैन डेर वाल्स फोर्स के बारे में देखेंगे हमें कितने तरह का होता है, ये होता है आपका देयर आर फोर टाइप्स ऑफ वैन डेर वाल्स। चार तरह का होता है, फर्स्ट हम देखेंगे तो पहला क्या है आपका लंदन फोर्स। ये लंदन फोर्स जो है इसको ही हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन फोर्स। लंदन फोर्स को ही और किस नाम से जाना जाता है, डिस्पर्सन फोर्स के नाम से। ठीक है, जो सेकंड है हमारा वो है डायपोल फोर्स। इन्वेंशन किया था, इसके बारे में बताया था,
उसका नाम जो है लंदन फोर्स रखा गया। आप लोग सभी लोग जानते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, डायपोल्स। ये जो मॉलिक्यूल है इनमें क्या होते हैं, डायपोल्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है तो क्या होता है, वो कुछ इस तरह से मूवमेंट करता है कि वो क्या करता है, या तो इनमें पहले से ही डायपोल क्रिएट होते हैं या फिर एक इमेजिनरी या टेम्पररी डायपोल को क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है, जिसके कारण क्या आ जाता है, जिसके कारण मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और मूव करते करते ये कहाँ आ गया, इस पॉइंट पर आ गया। ठीक है, जैसे ही इस पॉइंट पर आया इसने क्या किया, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव साइन और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव साइन क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। ये ए है इसको बी ए का, इसने क्या किया, जैसे ही मूवमेंट करते हुए आया तो यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव साइन आ गया और पार्शियली पॉजिटिव। अब यही क्या करेगा, जो इससे जुड़ने वाले दूसरे एटम्स होंगे उनमें भी क्या कर देगा, और बना देगा, उनमें भी क्या कर देगा, साइन जो है वो क्रिएट कर देगा। जैसे यहाँ पर क्या है, पार्शियली पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, जस्ट अपोजिट, जैसे यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव। अच्छा, इसको एक एग्जांपल से आपने क्या देखा, आपने मैग्नेट देखी है सभी, ये मैग्नेट, ये है आपका नॉर्थ, ये एनओएसएस में दिया रहता है नॉर्थ साउथ। अब ये मैग्नेट क्या करता है, ये मैग्नेट कोई भी इसकी तरफ, जैसे मान लीजिए कोई भी आयरन करता है, एक आयरन की छोर को आप जैसे इसके पास रहेंगे ये क्या करेगा, हमें तो पता है इस आयरन की जो स्टिक है, इस आयरन की स्टिक में नॉर्थ कहाँ है साउथ कहाँ है, क्या हमें पता है, नहीं पता। तो अब हम कैसे पता करें, हमें पता करने की जरूरत भी क्या है, कुछ नहीं, हम इसको क्या लेते हैं, मैग्नेट के पास लेते, मैग्नेट पहले से इतना समझदार है, ये क्या करेगा, ये देखेगा इसके पास यहाँ नॉर्थ है साउथ है, ये क्या करेगा, अपने से जस्ट अपोजिट वाले इसको देख लेगा, इसको क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करके इसको क्या करेगा, अपने तरफ जोड़ लेगा, और क्या होगा, पार्शली क्या कर देगा, यहाँ साउथ है तो पार्शली नॉर्थ साउथ यहाँ क्रिएट कर देगा, इसकी जस्ट अपोजिट साइड पार्शली साउथ साइड, समझ में आती है, इस तरह से। या फिर आप इसको दूसरी मैग्नेट से भी देख सकते हो, जो दूसरी मैग्नेट है उसको भी जैसे मान लीजिए ये दो मैग्नेट है, तो पहले से ही दी गई, अब एक और मैग्नेट को उसके पास ले जाएगा, अब क्या करेगा, जब हम इसको उसके पास ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा, दूर करेगा, दूर करेगा। आप हमें क्या पता क्यों भाई, क्यों ये इसको क्या बोलते हैं, रिपल क्यों कर रहा है, फिर हमें इससे पता चल गया कि इसे साउथ है ना, यहाँ पर हम साउथ वाले को पार्ट इसके ला रहे थे इसलिए ये रिपल कर रहा था। जैसे हमने इस मैग्नेट को घुमा दिया तो क्या हुआ, इसने अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर लिया और यहाँ का जो नॉर्थ साउथ है हमें आइडेंटिफाई किया कि नॉर्थ और साउथ यानी कि दोनों जो साइड है वो कैसे है, अपोजिट है, इसीलिए क्या हुआ, इनमें अट्रैक्शन। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, जो डायपोल्स होते हैं, हम बात कर रहे हैं तो बात हुई आपकी किसकी, मैग्नेट की, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एटम की, तो एटम्स भी क्या करते हैं, अपनी ही तरह के दूसरे एटम में जब जुड़ते हैं या जब उनसे रिपल करते हैं या दूर होते हैं या पास आते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि अपने से अपोजिट या अपने से सेम साइन जो होता है उसको देखते हैं, उसके बाद ही क्या करते हैं, अट्रैक्शन या रिफ्लेक्शन जो है उसको जनरेट करते हैं। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो उसे क्रिएट कर देते हैं, और इसके कारण इन पर क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है, और ये जो फोर्स है ना, ये वान डर वाल्स फोर्स, ये सभी जगह अलग अलग लगता है, बट इन्हीं सब फोर्सेस के टाइप्स जो है वो हमारे सामने गिवन। ठीक है, लंदन फोर्स है जिसमें से आपका डायपोल, डायपोल फोर्स है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, एच बॉन्ड है। इनमें आपको एक चीज देखना है, देखा ये जो लंदन फोर्स है, आप बस एक थंबनेल याद कर लीजिए कि इसको कैसे हम याद करें, इसके बारे में अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, अपने आप में ध्यान रखते हैं जब हम इसके बारे में स्टडी करें। आप इसमें एक चीज करना कि ये जो डायपोल डायपोल ये जो लंदन फोर्स है, डिस्पर्सल फोर्स है, ये किसके बीच में वर्क करता है, ये करता है आपके दो टू या फिर ऐसे लिख लीजिए
पोलर पोलर डायपोल के बीच, ठीक है, पोलर पोलर डायपोल के बीच में ये क्या करता है, वर्क करता है। डायपोल डायपोल ये आपका नॉन डायपोल, नॉन पोलर जो होते हैं ना, नॉन पोलर सॉरी, ये आपका नॉन पोलर जो दो नॉन पोलर डायपोल्स होते हैं उनके बीच में क्या करेगा, वर्क करेगा। डायपोल डायपोल फोर्स क्या होगा, ये दो डायपोल जो पोलर आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, दो पोलर मॉलिक्यूल्स उनके बीच में क्या करेगा, वर्क करेगा। पोलर पोलर डायपोल के बीच में क्या करेगा, वर्क करेगा। मैं समझाऊंगी अभी पोलर और नॉन पोलर क्या है, ठीक है। डायपोल मॉलिक्यूल्स डायपोल फोर्स ये क्या करेगा, एक होगा आपका पोलर और एक होगा आपका नॉन पोलर, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड ये तो नाम से ही पता है, ये क्या करेगा कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करेगा, शो करेगा, ये स्पेशल फोर्स है, इसको किसी से मतलब नहीं है, ये अपनी दुनिया में रहता है, इसको अभी हम देखेंगे ना। देखिए पोलर और नॉन पोलर क्या है, नॉन पोलर का मतलब ऐसा आइटम जिसमें पहले से ही क्या हो, डायपोल पहले से ही क्रिएट, जैसे आप देख लीजिए आपका एच सी एल,